नमस्कार दोस्तों, फिश इन्वा चैनल की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था जिसमें पूछा जा रहा था, दादा आप जो फिश टैंक में स्पॉन को खाना देते हैं वो कौन सा फिश फीड कराते हैं और किस तरह से किस हिसाब से देते हैं, मुझे थोड़ा जानना है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ जिससे मेरा सारा व्यूअर्स को भी इसके बारे में जानकारी हो जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। दोस्तों इसके लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, वो मुर्गी का भी अंडा हो सकता है, बत्तख का भी अंडा हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मुर्गी का हो या बत्तख का हो, अंडे में काफ़ी हाई प्रोटीन रहता है और छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन का ज़रूरत होता है। ये मछली को तुरंत ग्रोथ बनाने में मदद करती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कैलोरी भी है अंडे में होता है जो मछली को ताकत देती है। तो स्पॉन को इस तरह का फिश फीड देने का यही मकसद है, इसमें जल्दी ग्रो हो जाए और ताकत भी बढ़ जाए। तो टैंक में इसको देने के लिए कच्चे अंडे को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके लिए अंडे को उबाला जाता है, फिर इसके अंदर का जो कुसुम है जो पीला रंग का होता है उसी को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और सफ़ेद चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसको प्रोसेस करने के लिए एक नेट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग ग्लास लाइलन नेट बोलते हैं। ये नेट हर किसी के पास नहीं होता है और जब स्पॉन सेलिंग होता है तब भी इस तरह का नेट का यूज़ किया जाता है बच्चे को स्पॉन को नापने के लिए। बहुत जगह में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, उससे किसान भाइयों को नुकसान होता है क्योंकि कपड़े में बहुत ज़्यादा पानी रह जाता है और इस नेट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और पानी निकल जाता है। तो वो दूसरा बात है, आज फिश फीडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ तो इसके फिश फीडिंग के ऊपर ही बात करूँगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप इस अंडे को सबसे पहले पानी में अच्छे से मिक्स करना होता है ये ग्लास लाइलन कपड़े के द्वारा। जितना अच्छे से इसको मिक्स किया जाता है उतना ही छोटा छोटा हिस्सा इस अंडे का बनता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पॉन काफ़ी छोटी छोटी साइज में होती है, उसका मुंह का आकार भी काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इस अंडे का दाने को जितना छोटा छोटा हिस्सों में बांटा जाए उतना ही अच्छा है इस स्पॉन के लिए। इस दौरान दिन में 3 से 4 बार इस तरह का फिश फीड कराया जाता है और इसका रीज़न यह है कि 48 घंटे में इस स्पॉन को सेलिंग करना होता है। जितना ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हम अपना फिश को दे सकते हैं और इसमें कैलोरी भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो इस टैंक में मछली का ग्रोथ और ताकत दोनों ही काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके बाद स्पॉन में सारी ताकत हो जाती है इस फिश पॉन में तैरने के लिए रहने के लिए। उस दौरान किसान भाई अगर इस तरह का फिश सीट को लेते हैं तो अपना फिश पॉन में जाके इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई हो जाता है। इस फिश फीड को टैंक में यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि पानी का फ्लो काफ़ी हाई रहता है, उस दौरान पानी का फ्लो को कमा के कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। क्वांटिटी में अगर इस टैंक में सीड ज़्यादा है तो उस दौरान एक साइड का पानी छोड़ दिया जाता है और दूसरा साइड का पानी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत ही काफ़ी छोटी छोटी साइज में होती है तो ये दाना पकड़ने में उसको दिक्कत होती है। जब भी पानी घूमता रहता है तो दाना भी छोटा छोटा दाना जो है वो भागता रहता है तो मछली में पकड़ने में दिक्कत होता है, इसीलिए पानी को बंद करके 1 से 2 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं, फिर 1-2 मिनट बाद ही इसको पानी फिर से छोड़ दिया जाता है, नहीं तो ऑक्सीजन का कमी के वजह से टैंक में ही ये सारा स्पॉन मर जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन का कमी ना हो इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। खाना देने का दौरान एक वर्कर हमेशा ही इस सारा चीज़ को नज़र रखता रहता है। तो दोस्तों और एक सवाल मुझसे पूछा गया था, टैंक में किस हिसाब से आप खाना देते हैं? तो दोस्तों टैंक में मैं 10 लाख का हिसाब से देता हूँ जो आप थंबनेल पे देखे हैं, यानी एक अंडे में 10 लाख स्पॉन का पेट भरने का ताकत है, उसी हिसाब से मैं अपना टैंक में फिश फीड कराता हूँ। इस दौरान 4 से 5 मिनट में अपना मछलियाँ पेट भर लेती है। और एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, इस टैंक में कितना बच्चा है, इसको कैसे गिनती लगाते हैं? तो इसके लिए मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ। जब भी आप सब्जी लेने बाजार जाते हैं तभी दुकानदार से 1 किलो कुछ भी सामान मांगे तो ये दुकानदार जो है अपना हाथ से ही कुछ सामान उठा लेता है, फिर तराजू के ऊपर जब भी रखता है तो उसको आप देखेंगे उसका वज़न लगभग 1 किलो के आसपास हो गया, या थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही मैं भी सारा चीज़ को देख ही आइडिया लगा सकता हूँ, आप भी इसमें काफ़ी माहिर है, आप जो काम करते हैं उसका आइडिया आप खुद ही लगा सकते हैं। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं इस चीज़ को मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये मछलियाँ खाना खाने के बाद किस तरह से दिखती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस फुटेज को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, थोड़ा ध्यान लगा के आप देखेंगे तो पाएंगे इसका पेट में छोटा छोटा अंडे का दाना आपको बहुत आसानी से देखने को नज़र आ जाएगा। हालांकि मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, मेरे पास कोई डिजिटल कैमरा नहीं है जिससे मैं और थोड़ा अच्छा से दिखा पाऊँ, तो मुझसे जितना बन पा रहा है मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को
लाइक भी कर देना। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।